श्रीमद साहब कि उन्होंने ये कहा है कि जो मन से वचन से दृष्टि से जो कुछ संसार का आभास होता है वह सब मैं ही मैं हूँ, मुझसे अलावा न मन से न वचन से न दृष्टि से न इंद्रियों से किसी भी चीज़ का मुझसे अलग किसी भी वस्तु का आभास हो ही नहीं सकता। साफ कह दिया, सीक्रेट दे दिया। इतना सब सीक्रेट देने के पश्चात भी हम ये अलग है वो अलग है, फिर कई साधु ने कहा इंद्रियां निग्रह करो। अरे भगवान कहते हैं किसका निग्रह करोगे, जो इंद्रिय है वो भी मैं हूँ और जो इंद्रिय जिस विषय का सेवन कर रही है वो भी मैं हूँ, जीभ पर स्वाद भी मैं हूँ और स्वाद लेने वाली वस्तु जिसमें स्वाद है वह भी मैं हूँ, देखने वाली आँखें में दृष्टि भी मैं हूँ और जो दिखाई दे रहा है वह भी मैं हूँ। तो किससे किसको इंद्रिय निग्रह करोगे? ये आज सुबह बात हुई थी हमारी कि भाव परिवर्तित कर लीजिए, सब में उसी को देखते जाइए, उसी ब्रह्म को उसी परमात्मा को उसी आत्मा को देखते जाइए, अनेक रूपों में इंद्रियों के विषयों में विचारों में भावनाओं में मनुष्यों में जानवरों में हर किसी में उसी चीज़ को देखते जाइए। इसका मैंने स्पर्श किया, भागवत में कहा कि जो स्पर्श वस्तु होती है वो मैं हूँ, तो मैंने परमात्मा का स्पर्श किया। मुझे यहाँ उन्होंने कहा हर इंद्रिय के विषय में मैं हूँ, तो परमात्मा से संपर्क। मुझे जो कुछ दिख रहा है उन्होंने कहा जो दृष्टि से दिखाई देता है वो मैं हूँ, परमात्मा के दर्शन। करते जाइए और इसकी अगर प्रबलता इंटेंसिटी होगी कुछ ही दिनों में करने की क्रिया भी खत्म हो जाएगी, भावना को परिवर्तित करने की क्रिया भी समाप्त हो जाएगी क्योंकि आप उसमें स्थित हो जाओगे। और एक बार स्थित हो गए फिर कोई करने की क्रिया बाकी नहीं रहेगी। कई लोग मुझे पूछते हैं आप सुबह ध्यान करते होंगे योगा करते होंगे प्राणायाम करते होंगे, मैंने कहा कुछ नहीं करता हूँ। आजकल क्या करते हैं? सुबह उठता हूँ नाश्ता करता हूँ सो जाता हूँ, उठता हूँ खाना खाता हूँ सो जाता हूँ। घर में पालतू कुत्ता होता है वैसे ही है, बीवी उठाती है खाना खिलाती है खा लेते हैं, कुछ काम नहीं है बैठ गए टीवी देख लिए पेपर पढ़ लिए, कभी कभी उसको गुस्सा आता है एक दो लात मार देती है तो टाँग 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 कर लेते हैं फिर चुपचाप, फिर शाम को प्यार करती है वापस आ जाते हैं फिर जो देती है खा लेते हैं। क्योंकि मैं जगा हुआ हूँ मुझे प्रॉब्लम नहीं है। अब करना कुछ नहीं रहा, जब हो गया आपको हैदराबाद से ऋषिकेश जाना था, ऋषिकेश आ गए पहुंच गए, अब कोई कहे कि नहीं ऋषिकेश जाना है मेरे लिए उसकी तो अज्ञानता का कोई सीमा ही नहीं है। अब ऋषिकेश पहुंच गया तो आपको ऋषिकेश जाना समाप्त हो गया ना, जब तक आवश्यकता नहीं पड़ती है कि मैं परमात्मा को देखूं मैं आत्मा को सुबह जोसेफ ने कहा था ओशो ने आई डोंट टॉक बिकॉज आई वॉन्ट टू बी इन अवेयरनेस विच ओनली मीन्स विच ओनली प्रूव्स कि उसको अभी भी करना पड़ रहा है कि मैं वॉकिंग करूं तो टॉकिंग ना करूं, क्योंकि टॉकिंग करूंगा तो अवेयरनेस खत्म हो जाएगा। यहां तो अवेयरनेस खत्म होने वाली चीज नहीं हो तो 24 घंटे है, मैं टॉक करूं वॉक करूं ईट करूं स्लीप करूं कुछ करूं या न करूं इट इज ऑलवेज देयर। दैट फियर इटसेल्फ इज ए बॉन्डेज
अगले सेशन में बताऊंगा राजा जनक और अष्टावक्र के कुछ कॉन्वर्जेशन, दे आर एनलाइटनिंग, माइंड बॉगलिंग, नेवर हर्ड ऑफ।